हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मेरा रवि कुमार एक प्रोफेसर है वीडियो में हाजिर हूँ। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कब लागू की जाएगी। तो गाइस जैसा आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले साल आई थी और गाइस इसको इम्प्लीमेंटेशन को काफ़ी खबरें आई थी। अब गाइस बात आती है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू कब होगी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा आपको पता होगा कि जब लाई गई थी तो उस समय काफ़ी उसके अंदर ड्रॉबैक्स थी। तो गाइस कुछ पॉइंट्स आपको समझना है और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये लागू कब तक हो सकती है। तो गाइस जैसा आपको पता है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो गाइस उसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स थे। अब गाइस जो ड्रॉबैक्स थे उनको क्लियर करने को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब गाइस आप खुद सोच के देखिए, किसी चीज़ में प्रॉब्लम बताई जा रही है और अभी तक उसको लेकर बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं किया गया, तो क्या ये चीज़ अभी तक इम्प्लीमेंट हो सकती है प्रेजेंट टाइम पर? तो गाइस बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। अब गाइस इसके अलावा जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन लास्ट ईयर लगा था, फिर इसके बाद इस ईयर भी लॉकडाउन लगा और गाइस 2021 में भी लॉकडाउन लगा। और गाइस लॉकडाउन लगने के बाद अब बात आती है कि जो 2022 के एग्ज़ाम्स हैं क्या वो इसकी वजह से कैंसिल होंगे? तो गाइस बिल्कुल भी कैंसिल वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। और गाइस 2022 में इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं करी गई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 एग्जाम के लिए इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं। और गाइस इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकती बिकॉज क्योंकि इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं। और गाइस जब तक ड्रॉबैक्स को नहीं हटाया जाएगा तो गाइस इसको इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज गाइस जैसा आपको पता है कि आपको पता होगा कि CBSE बोर्ड है आपका, ICSE बोर्ड है आपका, ISC बोर्ड है आपका, स्टेट बोर्ड है। अब गाइस हर स्टेट का अपना बोर्ड है। तो गाइस इसने बोर्ड्स पर कोई भी पॉलिसी एकदम से इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब गाइस जैसा आपको थर्ड पॉइंट में बता रहा हूँ कि इसके लिए जो गाइडलाइंस हैं कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। मतलब कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी गई है कि कब लागू होगी। और गाइस जब सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है तो गाइस ये बिल्कुल बता पाना मुश्किल हो जाता है कि ये जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कब इम्प्लीमेंट होगी। तो गाइस एग्जैक्टली तो आपको नहीं बताया जा सकता है, बट एक एक्सपेक्टेड आपको बताया जा सकता है कि ये जो है आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये क्या है इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो गाइस इसके लिए आपको अभी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और गाइस अगर आप ग्रेजुएशन में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी गाइस आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप PG का एग्ज़ाम दे रहे हों पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो गाइस बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये जब भी इम्प्लीमेंट होगी तो गाइस इसके लिए सरकार प्रॉपर गाइडलाइन देगी और गाइस उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जा सकती है। तो गाइस अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल जाए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक शुक्रिया।